छोटा व्रत है, ठीक है, हो गया शुरू। तीन नंबर वाला बटन करना। हाँ देखो बोल रहा क्या है, अब क्या है, छोटा व्रत है, हम इसे बोलते हैं छोटा व्रत बोलो या स्मॉल सर्कल बोलो या सावर या इसको सावृत भी बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं सावृत कितने जगह में लगेगा, तो बोलते हैं सावृत किसी भी व्यंजन रेखा में तीन जगह में जुड़ता है। एक कहाँ जुड़ा है, प्रारंभ में व्यंजन के शुरू में, ठीक है, प्रारंभ में। एक जुड़ा है बीच मिडिल में, एक जुड़ा है एंड अंत में, ठीक है। कहाँ जोड़ रहा है, स्टार्टिंग मिडिल और एंड, तीन जगह पे क्या जोड़ रहा है, स्मॉल सर्कल या सावृत या छोटा वृत्त, नॉर्मली इसका नाम बोलते हैं व्रत। व्रत मीन्स छोटा व्रत है, ठीक है। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, बड़ा इसके इसी के पार्ट हुआ है, ठीक है। तो बोलते हैं व्रत कहाँ जुड़ता है, तीन जगह पे जुड़ता है, एक प्रारंभ में, एक बीच में, एक कहाँ जोड़ रहा है, अंत में। बट जुड़ तो रहा है, बट साउंड क्या रिप्रेजेंट करेगा वो जुड़ करके, वो बोल रहे हैं शुरू में जुड़ेगा तो सिर्फ सौ व्यंजन, ये वाला बीच और अंत में वो बोला या तो ये सौ होगा, या तो ये सौ ऑब्लिक ये सौ होगा, या तो ज नहीं ज होगा, इसका मतलब शॉर्ट हैंड में ये वाला रेखा होगी या ये वाली होगी या ये वाली जो ज होता है। तो ये कहां पर है, ये बीच और अंत में, ये बीच में भी है और अंत में भी, यही साउंड रिप्रेजेंट करेगा। अब है कि जुड़ेगा कैसे, ठीक है, जुड़ेगा कैसे, हमारे पास दो प्रकार के रेखाएं हैं, ठीक है। एक क्या है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा वाले व्यंजन, ठीक है। एक क्या है, सीधी रेखा वाले व्यंजन है, इनके साथ, इनके साथ कैसे जुड़ सकता है, तीन जगहों में। एक कहां जुड़ा है, प्रारंभ में, एक कहां जुड़ेगा, बीच में, एक कहां जुड़ेगा, अंत में। कहां पे जुड़ा है, तीन जगहों पे, एक कहां है, प्रारंभ में है, बीच में है, और कहां पर है, अंत में। जुड़ के क्या साउंड रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रारंभ में जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, प्रारंभ में कैसे जुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अंत में कैसे जुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज, कहां पे, प्रारंभ ऑब्लिक अंत में, ठीक है। अब बचा मिडिल, मिडिल में कैसे जुड़ा है, देखो बीच में जुड़ा है, सीधी रेखाओं के साथ, बल सीधी रेखाओं के बीच में, आउटसाइड एंगल, कैसे जोड़ा है, आउटसाइड एंगल, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सीधी रेखा वाले व्यंजनों की बात चल रही है। दूसरा आता है हमारा कर्व रेखा, क्या है, कर्व या वक्र रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है। इनके साथ जोड़ा है इनसाइड कर्व, इनसाइड, ठीक है, कर्व, इनसाइड कर्व, किन के साथ, ये कर्व कॉन्सोनेंट होगा, चाहे वो, अब इनसाइड कर्व हो सकता हो, अब वो बोले तीनों हैं, चाहे वो प्रारंभ में हो या बीच में हो या अंत में हो, तीनों जगह कहां जुड़े हो, इनसाइड कर्व जुड़े, ठीक है।
बीच में भी इनसाइड का और अंत में भी इनसाइड का, ठीक है, वो चाहे कहीं भी जुड़े। इतने में भी हमने कहा जुड़ेगा कैसे, पहली बात शुरू में जुड़ा तो क्या साउंड रिप्रेजेंट कर रहा, सौ, बीच में जुड़ेगा या अंत में जुड़ेगा तो सौ या ये सौ या ये सौ, इसका हमने ऐसा है, इसको हम किससे दिखा देते हैं, एस एच से दिखा रहे हैं, किसको, इन दोनों को। लास्ट में क्या है ज, जिसको हम इंग्लिश में जे से नहीं दिखा के किससे दिखा रहे हैं, जेड से, इसको किससे दिखा रहे हैं हम, जेड से, ठीक है, इंग्लिश में ये वाला क्या है ऐसा है, बस तीन चीज है। अब देखो जुड़ेगा कैसे, हमारे पास दो प्रकार वाली रेखाएं हैं, एक सीधी है एक क्या है कर्व रेखा। सीधी रेखाओं के प्रारंभ कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज, अंत में भी एंटी क्लॉकवाइज, बीच में क्या है आउटसाइड एंगल, मीन्स दो कॉन्सनेंट है, जैसे ये टी है और के है, इन दोनों के बीच में, ये तो एंगल तो इधर बन रहा है, एंगल के बाहर की तरफ इधर से जुड़ जाएगा, वैसे ही इनके साथ क्या है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पौ के प्रारंभ में लिखना है ऐसे करके, पौ के प्रारंभ में लिखना है ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, सौ के प्रारंभ में लिखना है ऐसे करके, रॉ के प्रारंभ में लिखना है ऐसे करके, ख के प्रारंभ में लिखना है ऐसे, वैसे ही इसमें ये है या पोषक या रेस्ट या किशोर या हिसाब ऐसे करके, ठीक है। अंत में आपको पता है पास, ठोस, जोश, राज, कोश, ठीक है। अंत में इनके साथ कर्व रेखा में, जैसे हमने कहा क्या है साफ, ऐसी है सीत या सीता, ये साफ है, लिखा हमने सौता, सी सीता या सेल, जो इस पे स्वर आएगा उसके बिफोर साइड लग जाएगा, या सीमा, सीमा में क्या है सीमा, या आता है से साफ, या सभी, स और भी, बॉ के लिए क्या हो जाएगा ये डार्क हो जाएगा, सभी। अंत में फेस, भेष, दोष, लेस, मास, नोज, सेस, बीच में दोस्ती, निशाना, मौसम, या दुश्मन, या मशीन, मौसिनो, इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, बट ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला बना, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, अब देखो इतना आ चुका है पहले समझ में, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं, मैंने एक ग्राफ में दिखा दिया कि मोस्टली क्या है कि सौ वृत्त कैसे चलता है, व्यंजन के प्रारंभ में जुड़ गया सौ, बीच में जुड़ गया तो सौ सौ सौ, बीच और अंत में और ज, ये तीन है। बट जुड़ेगा कैसे, हमने कहा सीधे हमारे पास दो प्रकार वाली रेखाएं हैं, एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है कर्व है। स्ट्रेट सीधी रेखा, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन के जो स्टार्टिंग में है या मिडिल में है एंड में, स्टार्टिंग में कैसे जुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड में भी एंटी क्लॉकवाइज, मिडिल में दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट होंगे तो उनमें क्या जुड़ जाएगा आउटसाइड एंगल, मीन्स जो एंगल बन रहा है कोण बन रहा है उसके बाहर की ओर। कर्व रेखा में कुछ भी चीज जुड़ेगा हमेशा कर्व के अंदर की ओर, जो कर्व है बैंड हो रखा है उसके अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, तो इनसाइड कर्व बोला हमने, जैसे सेफ है, सीता है, ठीक है, सेल है, चाहे वो बीच में जुड़े, चाहे प्रारंभ में जुड़े, चाहे अंत में जुड़े, चाहे बीच में जुड़े, तीनों में क्या होगा इनसाइड कर्व, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, अब देखो इसको मिटाता हूं मैं, आप है खींचो, हो गया। देखो देखो अब वो बोल रहा है सीधी, इसको पूरा ही खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है। यहां देखो इसको तो अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, कैसे है इसका पॉइंट है, वो पॉइंट को नोट कर देता हूं मैं, ठीक है।
वो बोल रहा है सीधी रेखा वाले व्यंजनों के प्रारंभ ऑब्लिक अंत में छोटा व्रत एंटी क्लॉकवाइज जुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज जुड़ता है। कैसे जुड़ा है? एंटी क्लॉकवाइज जुड़ता है, ठीक है। जैसे हमने कहा क्या है, या सेब, सौ है ब है, प्रारंभ और अंत में की बात हो रही है, ठीक है। सेब सौ पे जो वॉवल आ रहा है, हमने इसके बिफोर साइड लग गया, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर की ओर लग रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेठ सौ है ठा है, कैसे जुड़ा है, इधर से इधर को आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो इस पे मात्रा वॉवल था इसके बिफोर साइड, या सोच सौ है च है, कैसे जुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके सौ पे क्या रहा, ओ का वॉवल, या सर या सिर, सिर है, हमने सौ का सर्कल मार दिया, रॉ मार दिया, हमने कहा सिर, कैसे जोड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज, या सेख सौ है ख है, सौ पे क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एक ऑल था, सॉरी सिख नहीं सेख, एक ऑल बीच में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। या सिख सिख होगा, हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंत में, हमने कहा क्या है, पास प है स है, कैसे जुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस पे जो वॉवल था ये अंत में आ रहा है तो इस पे स्वर नहीं होना चाहिए, अगर स्वर पे इस पे स्वर आएगा तो यूज नहीं होगा, ठीक है। ठोस ठ है स है, ठोस। जोश ज है स है, या राज ज है, र है ज है, राज र पे क्या रहा, आकौल, या कोश पेट कटा स क्या है, कोश क है लाइन कोश, ठीक है। ऐसे ही आता है, बोल रहा है वक्र रेखाओं के साथ, वक्र रेखा वाले व्यंजनों के साथ, के साथ छोटा व्रत इनसाइड कर्व जुड़ता है, इनसाइड कर्व जुड़ता है, चाहे वो प्रारंभ में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, कैसे जुड़ेगा, इनसाइड कर्व। जैसे हमने कहा क्या है, साप सौ है फ है, इस पे आ का मात्रा था, हमने इसके बिफोर साइड लगा लिया, जैसे हमने वहां लिखा था ना, वेग वीक विकल्प विराट, ठीक है, जो उसमें मात्रा थी अर्धवृत्त पे, उसके बिफोर साइड लगा रहे थे जिस व्यंजन के शुरू में, वैसे इस सर्कल के साथ जो भी स्वर आएगा जिस व्यंजन के साथ ये जुड़ा है उसके बिफोर साइड लग जाएगा, ठीक है। या से सेल सौ है ल है, या सीमा सीमा, ये सौ है सी है ये मा है, या सीना क्या है, सी ना, या सीता सीता, या ठीक है, समझ में आ रहा है। अंत में हमने कहा क्या है, फेस
फेस या भेस, ठीक है, भ पे एक और, भेस पे पे भी एक और, ठीक है, या दोष, द है स है, या लेज या मास, मिस या सेस, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। देखो बीच में फसल ह है स है ल है, बट आ चुका है फैसला। मैंने बोला था ना आगे जा करके हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वॉवल छोड़ देते हैं। फैसला आएगा तो लाइन के ऊपर है, फसल आएगा तो लाइन पे। ये फैसला भी है, फासला भी है, ठीक है। न्यायालय का फैसला, न्यायालय का फासला थोड़ा आ जाएगा। अगर कहीं पे आ रहा है तो दोनों को हम क्या, सेंटेंस खुद बता देगा क्या आ रहा है, फासला आया था फैसला आ रहा है, ठीक है, वर्डों का खुद ही क्लियर हो जाएगा वहां पे। या दोस्ती, द है स है ती है, दोस्ती। या निशाना, यह है निशाना, क्या है निशाना, आप लिखो ऐसा लिखो, चाहे आप इसको लाइन का नीचे ना लिख करके इसको लाइन पे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, निशाना, ठीक है। या मौसम, मौसम वॉवल लगाने की जरूरत ही नहीं है, मौसम खराब है, मौसम खराब थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोला एक सीधी, अब देखो बोला एक एक सी एक कर्व रेखा होगी, एक सीधी, अब क्या करते हैं पहले उस पर चल जाते हैं सीधी रेखाओं, सीधी रेखाओं के बीच में, ठीक है, छोटा व्रत, छोटा व्रत आउटसाइड एंगल जुड़ता है, ठीक है, कैसे जुड़ रहा है आउटसाइड एंगल, जैसे हमने कहा क्या है, टास्क, टी है ऐसे के है टास्क, पोषक, पोषक, ठीक है, या किशोर, किशोर या किशोरी, दिख रहा है क है सौ का सर्कल है रॉ है, यह है किशोरी, कुछ वॉवल नहीं लगाना है, किशोर और किशोरी में अंतर स्पष्ट करने के लिए यहां पे लगाना है, ठीक है। या हिसाब, अ है स है ब है, हिसाब। या रिस्क, रिस्क, ठीक है, समझ में आ रहा है। या बेसिक, ये होता है बेसिक, अगर आ चुका बेसिक शिक्षा तो सौ से काट देते हैं हम इसे, ये हो जाता है बेसिक शिक्षा, ठीक है। अगर सब कुछ इससे आ गया का बेसिक शिक्षा विभाग तो इसको भी बहुत से काट दो आप, ठीक है, तो बेसिक शिक्षा विभाग हो जाता है, ऐसे आता है
वो बोल रहा है अब क्या है, एक सीधी होगी एक कर्व होगी तो उसे कैसे लिखेंगे, जैसे नसीब नौ है सौ है बौ है, या मासिक कर्व रेखा के अंदर, या नसब हो चुका है नसीब, ठीक है, या नासिक ठीक है, या हसीना हसन या हसीना, हसीना होगा तो इस पे क्या लगा लो ना लगा लो वरना हसन हो जाएगा, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा, या मास्क मास्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो बोल रहा है समानार्थी, मीन्स एक जैसे व्यंजन आने पर व्यंजनों के बीच में छोटा व्रत एंटी क्लॉकवाइज लगता है, एंटी क्लॉकवाइज लगता है। समानार्थी व्यंजन कैसे, जैसे कवर्ग के बाद कवर्ग, टावर्ग के बाद टावर्ग, पावर्ग के बाद पावर्ग, जैसे बसपा बसपा एक जैसे व्यंजन है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, टेस्टी टेस्टी, या कसिक कसिक, या कौशिक यह कौशिक, ठीक है। बट वो बोला है एक पॉइंट और है, और व्यंजन से पूर्व सव्रत आए तो के गोले को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, किसको बड़ा कर देंगे हॉकी गोले को, जैसे हमने कहा क्या है साह साहस साहनी ठीक है। एक किसका था, एक यहां पर देखो एक सर्कल था एक होता, आपस में दोनों मिल गए तो आकार क्या हो चुका है बड़ा हो जाएगा गोला, बस वही चीज है। नेक्स्ट बोला इससे भी पहले क्या हो, सपोज क्या आ रहा है इनके बाद, अब क्या है नेक्स्ट बच चुका है हुकयुक्त व्यंजन व, अगर हुकयुक्त व्यंजन क्या है व और य है, उनसे पहले भी स्वर आएगा तो हुक के अंदर लगा लो, जैसे हमने कहा क्या है सेवा, तो ये जो हुक है इसके अंदर लगा लो ऐसे करके चपटा करके, आप लिखोगे इसे सेवा, या सेवा सदन आता है सेवा सदन, ये होता है सेवा सदन सेवा सदन, ठीक है, उसी के अंदर हल्का सा चपटा बना देना है वो तो सर्कल ही होगा, ऐसा नहीं कि गोला बनाना पूरा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यदि ये इससे भी पहले क्या हो, यदि ह सौ वर्त आए उससे भी पहले क्या है स्वर आए तो यूज नहीं होगा, जैसे हमने कहा सम है ये है सम, आ चुका है असम तो क्या है असम है,
तो यूज नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? देखो ये क्या है, असम। तो हमने कहा पूरा लिखना है। क्यों लिखना है? जैसे हम लिखते हैं सीमा, सी अरमा। अब इससे भी पहले कोई स्वर आएगा तो उसे रखेंगे कहां? उसको रखने के लिए क्या नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है या मास। लिख दिया तुमने मास। अब आ चुका है मासी, अंत में स्व आ रहा है, उससे उसके बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो पूरा पूरा लिखना है। हो चुका है मासी। दोष, दोष तो लिख दिया, आ चुका है दोषी, तो पूरा लिखना फिर दो अस्सी दोषी, ऐसा लिखो, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोषी। जोश, आपने लिखा जोश, जोश, जोशी आएगा, तो पूरा पूरा लिखो जोशी। ठीक है, चैप्टर खत्म। ठीक है, अब कीजिए जो मेरे एग्जांपल हैं पहले उनका कर लेना, ठीक है, फिर किताब का कर लो। ठीक है।